दोस्तों नमस्कार, हमारे YouTube चैनल मोनू शाह मेडिसिन इन्फॉर्मेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कफ ड्रिल सिरप के बारे में। तो दोस्तों कफ ड्रिल सिरप का यूज, डोज, बेनिफिट एंड साइड इफ़ेक्ट सब कुछ बताऊंगा। बने रहिए हमारे चैनल पर और लास्ट तक देखिए, तभी आप सबको अच्छे से जानकारी मिल पाएगी यह सिरप किस चीज़ में इस्तेमाल किया जाता है। इससे पहले दोस्तों अगर हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इससे क्या होगा दोस्तों, हम कोई वीडियो बनाएंगे आप तक नोटिफिकेशन पहुंचती रहेगी। आइए बात करते हैं कफ ड्रिल सिरप के बारे में। तो दोस्तों कफ ड्रिल सिरप का इस्तेमाल मुख्य रूप से खांसी के इलाज में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और किन किन प्रॉब्लम में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है मैं आगे इस वीडियो में आपको बताऊँगा। इससे पहले आप इसका पैकिंग देख लीजिए, ये 100 ml के पैकिंग में आता है और इसका प्राइस होता है लगभग 97 रुपये और इसे कंपनी बनाते हैं इंटास की। और इसमें कंपोजिशन होता है डाइफेन, हाइड्रामाइन, हाइड्रोक्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड और सोडियम सिट्रेट, ये सब चीज़ों से मिलकर ये बनाया गया है। चलिए दोस्तों अब हम बताते हैं इसका इस्तेमाल किन किन प्रॉब्लम में किया जाता है। तो दोस्तों जिन लोगों को खांसी हो सूखी उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, उसको ये ठीक कर देता है। या फिर जिन लोगों को एलर्जी हो गया हो, एलर्जी की वजह से खांसी बहुत ज़्यादा आ रहा है, जैसे कि नाक बह रहा हो या गीली खांसी हो, और तो अगर उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जाए तो उसमें बहुत अच्छा काम करता है और उसको ये ठीक कर देता है। या फिर जिन लोगों को गले में खराश हो या टॉन्सिल की प्रॉब्लम हो, उस कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है ये। और दोस्तों जिन लोगों को बार बार छींक आने की वजह से खांसी आ रहा है, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। या फिर जिन लोगों को काली खांसी हो, जैसे कि बार बार खांसी आ रहा हो, तो अगर उस कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल किया जाए और उसको ये ठीक कर देता है। दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट हम यूज़ करना चाहते हैं उसका साइड इफ़ेक्ट हमें मालूम होनी चाहिए और साथ साथ पूरी जानकारी भी होनी चाहिए। अगर आपका कोई सवाल हो हमसे तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, उसका जवाब मैं ज़रूर दूंगा। चलिए दोस्तों अब हम बताते हैं इसे यूज़ करने का सही तरीका। तो दोस्तों इस सिरप का इस्तेमाल 6 साल से 12 साल बच्चों को 2.5-2.5 ml सुबह शाम दे सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप इसको 3 बार भी दे सकते हैं, सुबह दोपहर शाम। और 12 साल से प्लस लोगों को 5-5 ml सुबह शाम लेना होता है। अगर आप इसको गर्म पानी के साथ लेते हैं तो और भी अच्छा काम करता है। चलिए दोस्तों अब हम बताते हैं इसका इस्तेमाल किन लोगों को नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों जो लोग शुगर पेशेंट हैं वो इसका इस्तेमाल ना करें, या फिर गर्भवती महिला भी इसका इस्तेमाल अपने मर्ज़ी से ना करें। अगर ये लोग इस्तेमाल करना चाहते हैं तो पहले डॉक्टर की सलाह लें फिर इस्तेमाल करें, बिना डॉक्टर की सलाह से कोई भी दवा यूज ना करें। चलिए दोस्तों अब हम बताते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट। तो दोस्तों सिरप पीने के बाद अगर आपको उल्टी जैसा लगे तो आप समझ जाइए आपको ये सूट नहीं कर रहा है। फिर आपके सर में दर्द होने लगे तो अभी आप समझ जाइए आपको ये सूट नहीं कर रहा है। या फिर अगर आपको बहुत ज़्यादा पानी प्यास लगने लगे तो अभी आप समझ जाइए आपको ये सूट नहीं कर रहा है। अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम समझ में आ रहा है तो आप इस सिरप को तुरंत बंद कर दें और अपने नज़दीकी डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। दोस्तों आज का हमारा वीडियो समाप्त हुआ, कल फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें।